दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रामगढ़ टेक। दोस्तों आज का जो मैं अपडेट लेके आया हूँ वो इंडियन पोस्ट ऑफिस के तरफ से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में जो नवंबर महीना में जो 1236 पोस्ट का इंडियन पोस्ट ऑफिस का GDS का फॉर्म भराया था उसका रिजल्ट आ गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं यही अपडेट दूंगा। जो लोग भी इस फॉर्म को भरे थे वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैं कट ऑफ बताऊंगा कि किन किन लोगों का यहाँ पे नाम आया है और कितने परसेंटेज में यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया गया है। तो झारखंड का रिजल्ट आ चुका है GDS का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं रामगढ़ टैग। तो इंतज़ार ख़त्म हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं झारखंड सर्कल का जो पोस्ट ऑफिस का GDS का फॉर्म भराया था उसका रिजल्ट आ चुका है, जिसमें टोटल पोस्ट 1236 पोस्ट था जो नवंबर दिसंबर महीना में भराया गया था उसका पोस्ट निकल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो डिवीज़न बताया जा रहा है धनबाद डिवीज़न का, यहाँ पर रिजल्ट दिखाया जा रहा है। तो झारखंड में जितने भी लोग भरे थे फॉर्म वो लोग रिजल्ट देख ले, यहाँ पर झारखंड सर्कल का जो फॉर्म है वो आ चुका है। तो चलिए आपको हम बताते हैं यहाँ पे किस तरह से कट ऑफ यहाँ लिया गया है और मेरिट लिस्ट किस आधार पे बना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे नंबर वन में जो यहाँ पे बताया जा रहा है ST कैटेगरी का, यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो इसका परसेंटेज जो यहाँ पर उठाया गया, आप देख सकते हैं 94.16 यहाँ पर परसेंटेज लिया गया जो कि ST कैटेगरी के है। तो ST कैटेगरी का यहाँ पे 94% इस बार उठाया गया। पिछले बार 85% लिया गया था ST को। तो यहाँ पे इस बार जो बताया जा रहा है इस बार बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 94% पर यहाँ पे सिलेक्शन लिया गया है जो कि मेरिट लिस्ट तैयार किया गया। उसके बाद UR यहाँ पे देख सकते हैं UR अनरिजर्व जो यहाँ पे बताया जा रहा है, अनरिजर्व को यहाँ पे 96% यहाँ पे बताया जा रहा है, जिनका नाम मनोज कुमार तिवारी। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे UR जनरल का जो नाम आता है 96.6% पर इनको यहाँ पे उठाया गया है, मेरिट लिस्ट इनका बना है और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं चौथा नंबर पे ST यहाँ पे बताया जा रहा है। पाँचवा नंबर पे देख सकते SC का है जो यहाँ पे 95% यहाँ पे बनाया गया है। ST SC को लगभग यहाँ पे 94-95% में उठाया गया है और जनरल को 96% में यहाँ पे उठाया गया। उसके साथ आपको हम क्या बता देते HH PH में जो लोग अप्लाई किए थे उनका मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर में दिखाया जा रहा है PH OH का। यहाँ पे एक कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था जिसका नाम है बोधो राजा बाबू, तो यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे बताया जा रहा है और इनका जो परसेंटेज यहाँ बताया जा रहा है 92.83। जी हाँ दोस्तों, 92.83% पे यहाँ पे इनको सिलेक्शन लिया गया है। तो इस बार जो कट ऑफ बताया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है, तो बहुत ही हाईएस्ट परसेंटेज जिनका आया है उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन लिया जा रहा है। मतलब इस बार बहुत ज़्यादा लोग भरे हैं और काफ़ी टैलेंटेड लोग यहाँ पे फॉर्म भरे हैं जो कि मेरिट लिस्ट बना है, तो लगभग नेट वालों को ही यहाँ पे सिलेक्शन लिया गया है, उससे कम के लोगों को सिलेक्शन नहीं लिया गया। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में यहाँ पे GDS का फॉर्म का मेरिट लिस्ट बनकर आया है। तो इस बार बहुत ही मेरिट लिस्ट बना है जो कि पिछले बार जो पोस्ट ऑफिस का जो यहाँ पे आया था रिजल्ट, जिसमें 256 पोस्ट था, जिसमें टोटल झारखंड में 256 पोस्ट था और उसमें इस तरह का मेरिट लिस्ट नहीं था, उसमें लगभग 85% में सिलेक्शन ले लिया गया था। लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ हुआ है और इस बार बहुत ही ज़्यादा मेरिट लिस्ट बनाया गया है जो कि 90%+ में यहाँ पर सिलेक्शन लिया गया है। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरे होंगे और जिनका 90+ में आया है वो रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया गया है। तो देख सकते हैं आप
यहाँ पे आप नाम है या नहीं आप चेक कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरे हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा और नाम चेक कीजिएगा, अपना नाम सर्च कर लीजिएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपका नाम भी यहाँ पे आया होगा और आपका भी सिलेक्शन पोस्ट ऑफिस में ज़रूर से हुआ होगा। लेकिन जिसका परसेंटेज 70 से कम होगा उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है, बहुत ही ख़राब न्यूज़ है, वो लोग थोड़ा सा नाराज़ होंगे। लेकिन यहाँ पे 90% जिसका होगा वो लोग तो बहुत खुश होंगे क्योंकि वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि आज के दौर में पढ़ाई में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज के दौर में आपको बस एक ही काम करना है, पढ़ाई में कंपटीशन करना है और आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप इस फॉर्म को भरे हैं तो ज़रूर से आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको इसका लेगा, वहाँ से आप जाकर अपना PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम चेक कर सकते हैं आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल पर नए मेहमान तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए ज़रूर से हमारे चैनल रामगढ़ टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल का घंटा है उसको दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो अपलोड होते ही। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।